हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और अभी नहाया है, ठीक है। और अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 11 बज गया है। मतलब पता नहीं इतना बज ही जाता है। आज तो क्लास भी नहीं मतलब लेने गए, वहाँ पे टीचर आज फुल थे इसलिए क्लास नहीं ले गए हैं। तो 11 बजे चली जाते क्लास लेने, तो ब्लॉगिंग भी आज से भी नहीं करते, ठीक है। तो दो दिन से ब्लॉगिंग नहीं आ रहा था क्योंकि ब्लॉगिंग कर ही नहीं रहे, तो कहीं जा ही नहीं रहे, या फिर मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग करने का। क्यों नहीं कर रहा था बताएंगे ज़रूर। और अभी तो जस्ट नहाए हैं, उसके बाद जाते हैं खाना खाने, उसके बाद में बात करते हैं। यार अभी जहाँ ये पॉलिटेक्निक का फॉर्म भी नहीं रहा, उसका टेंशन भी था ना यार, कब भरागा कब। और कुछ कुछ बनाना भी है, कुछ फॉर्म भी अप्लाई करवाना है, ठीक है। तो अभी खाते हैं क्योंकि वो जो खाना खा लिए हैं, ठीक है। और अभी 12 बजे तो जाएंगे, 12 नहीं, हाँ 12, 1 बजे तो क्लास जाएंगे, सॉरी 1 बजे से क्लास है, ठीक है। तो अभी खाना खा लिए हैं और अभी तो बस खाए हैं तो बैठे हैं। तो अभी बात करते हैं कि KGF चैप्टर 2 की, जो जिन बंदे ने अभी मतलब KGF चैप्टर 2 देखे हैं वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कैसा मूवी है। ऐसे तो अभी हॉल में हम नहीं देखे हैं, लेकिन कल कहीं से जुगाड़ करके मतलब कल लिंक वगैरह पूरा एकदम छान मारे क्रोम, तो मिला है KGF चैप्टर 2 का हॉल प्रिंट, जो ही देखे है। लेकिन मूवी क्या मतलब हॉल प्रिंट था, लेकिन क्या उसमें कहें, लेकिन वही देखे तो बहुत खतरनाक मूवी है। और इसका चैप्टर 3 भी आने वाला है, वो मूवी में बताया गया है कि चैप्टर 3 आएगा। तो अभी तो देख सकते क्या है मूवी में, लेकिन बहुत गर्दा इसमें कंटेंट है, बहुत मतलब ये एक्शन है, थोड़ा सा इसमें रोमांस भी है, उतना नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है, और मतलब लाजवाब मूवी है, ठीक है। और जिन बंदों को KGF चैप्टर 2 पसंद है प्लीज कमेंट करें। और अभी तो सोच रहे हैं हम भी हॉल में जाने के लिए, देखने के लिए कि कहीं से कहीं चल जाए, लेकिन अभी कोई रेडी नहीं है, नहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम, क्योंकि अभी टिकट का मेन प्राइस लगभग 250 करीबन है, 300 करीबन है, तो उतना पैसा कहाँ से लाएंगे यार। उतना में तेरे को बुक आ जाएगा, स्पीडी का बुक लेना तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अगर कोई बंदे रेडी होते हैं चलने के लिए तो देखा जाएगा, अगर पैसा वैसा होगा तो जाएंगे देखने। लेकिन मूवी बहुत गदर खतरनाक है। और कल तो वो देखे थे, कल गैंग ऑफ वासेपुर भी थोड़ा सा कुछ देखे हैं, जिसमें भी वो भी मूवी मस्त है। लेकिन अगर वो मूवी अगर सही बताए तो, अगर मूवी जो देखता है तो अगर उसको फुल वॉच कर लेता दोनों एपिसोड, तो दो एपिसोड है उसका है, लेकिन एक ही हम दो ही देख लें, दोनों देखते हैं, तो मर्डर बन जाएगा, पक्का गुंडा बन जाएगा वो। मतलब उसमें खाली मार काट यार, गर्दा मचाया हुआ, ठीक। और अभी क्या क्या इधर ब्लॉग नहीं बनाते, क्योंकि जानते हो कुछ लोग मतलब कह रहे थे यार कि तुम्हारा ब्लॉग कौन देखेगा, तुम्हारा फेस ही नहीं कोई जानता है, तुम अपना फेस को पहले दिखाओ तब तुम्हारा कोई ब्लॉग देखेगा, तुम्हें पहचानता है कोई। तो थोड़ा सा बुरा लगता है यार, ऐसा कोई बोलता है कि सही बात है, कोई पहचानता नहीं है, नहीं व्यूज आता है, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन फिर भी कहे चलो कोई बात नहीं, जो सच्चाई है उसमें ही रहना है, नहीं व्यूज आता कोई दिक्कत नहीं, किसी न किसी तो जरूर जाएगा व्यू, किसी को मतलब मेरा ब्लॉग जरूर पसंद आएगा। तो अभी दिक्कत है इसलिए व्यू नहीं जाता, क्योंकि थोड़ा सा घर में भी किसी को नहीं उतना मतलब पता है कि ब्लॉग बनाते, लेकिन उतना नहीं बनाते सबको साथ कि क्या है नहीं है। जब व्यू जाएगा सब्सक्राइबर आएगा तो सबके साथ ही बनाएंगे, पापा के साथ ही बनाएंगे। और पर्सनली हम भी मतलब सिंगिंग स्टार्ट करने वाले हैं, कि सोच रहे हैं कि सिंगिंग स्टार्ट कर दे, थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा काम भी कर दे, जैसे कि कुछ लोग का भी एक्स्ट्रा पढ़ने के साथ साथ ब्लॉगिंग करते कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर, तो एक्स्ट्रा काम में हम सोच रहे हैं सिंगिंग करने के लिए। तो अभी देखते हैं, वो बगल में यहाँ मेरे यहाँ किलकारी चलता है जो है इधर राजेंद्र नगर तरफ है, तो उधर शायद जाए एडमिशन, उसमें एडमिशन था अभी लेकिन नहीं गए थे कोरोना काल में, तो अभी अगर होगा उसमें तो एडमिशन करवा लेते हैं, उसी में जाएंगे सिंगिंग के लिए। तो अभी देखते हैं, और अभी तो मूवी वूवी ख़त्म कर रहे, तो अभी खाएं तो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर पढ़ेंगे वगैरह, ठीक है। और पढ़ने का ब्लॉग नहीं बनाते, क्योंकि पढ़ने का ब्लॉग इसलिए नहीं बनाते क्योंकि जितने भी ब्लॉग देखते हैं सब अधिकतर ज़्यादा फैमिली लोग ही देखते हैं ब्लॉग, तो देखिए यार कितना अपना दिखा रहा है यार कि हम पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ने वाला हो गया, तो इसलिए नहीं पढ़ने वाला ब्लॉग बनाते, ठीक है। वैसे यूट्यूब पे हम देख रहे थे कुछ बंदे पढ़ने को ब्लॉग भी बनाते, जो पढ़ रहे थे ना, तो क्या पढ़ रहे थे, टाइमिंग सेट करके पढ़ रहे थे, तो वो भी बहुत अच्छा है कि उनके साथ भी कितने बंदे पढ़ते भी होंगे, तो ठीक है। वो भी ऐसे तो हम उतना नहीं देखते अभी क्या क्या, तो अभी प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई व्यू नहीं जा रहा तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है।
और कितने बंदे हैं जो कहते हैं कि मेरे साथ ही ब्लॉग बना, तो हम यार जरूर बुलाएंगे। बोला दो तीन भैया भी हैं जो बोले कि यार मेरे साथ ही ब्लॉग बना, तो बोले कि ठीक है भैया आपके साथ बनाएंगे, लेकिन अभी सब्सक्राइबर बढ़ने दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा वॉच होगा तो आपको भी देखेगा बंदा, तो कहेगा यार है इस मतलब आपको भी चिन्हेगा, इसलिए अभी उनके साथ ब्लॉग नहीं बना रहे। बहुत सारे भैया बोलते हैं कि मेरे साथ ही ब्लॉग बनाओ, तो कह ठीक है बनाएंगे आपके साथ ब्लॉग, तो अभी तो पढ़ेंगे, रेस्ट करके बाद पढ़ेंगे, तो बाद में जाते हैं कोई पढ़ने जाए तो दिखाएंगे आपको। तो ठीक अभी शाम का 6 बज गया है और हम उधर से पढ़ के आए थे तो सो गए थे, थोड़ा सा नींद आ रहा था तो सो गए थे, और अभी जस्ट ना उठे ही हैं, तो उठे तो जाते हैं नीचे, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, थोड़ा सा जिंदगी जाने के बाद माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद में आएंगे। तो अभी जा रहे हैं ऐसे ही घूमने शाम में, ठीक है अभी करीबन 7 बज गया है, तो अभी शाम में जाते हैं ऐसे ही घूमने, अंडा वगैरह खाने जा रहे हैं। ठीक है तो जाते हैं वहाँ पे, तो आपको दिखाएंगे जरूर। ठीक अंडे वाले भैया भी बोल रहे थे यार मेरे साथ ही ब्लॉग बना, तो जाते हैं उनको फिर दिखा अंदर दुकान पर। ठीक है आप देख सकते हैं अभी भैया मतलब बिजी हैं, फिर मतलब अभी भैया बिजी एग रोल बनाने में, और बहुत दिन के बाद एग रोल यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है मतलब बहुत दिन के बाद बना रहे हैं, ऐसे भैया को बोल रहे थे कि भैया बनाइए एग रोल बनाइए, तो बोले कि ठीक है बनाएंगे, लेकिन आज फाइनली बना रहे हैं एग रोल, तो आज एग रोल ही खाएंगे। ठीक है और मेरा यहाँ पे एग रोल बनने जा रहा है, और देख सकते हैं आप भैया बना रहे हैं वो है, और स्टार यहाँ पे अंडा डाल दिया भैया ने। तो यहाँ पे मेकिंग स्टार्ट है, ठीक है उसको बनने देते हैं, उसके बाद में बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है उसका। तो मेरा एग रोल बन के रेडी हो गया है, ठीक है, और इसको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा आ जाए। तो यहाँ का वैसे भी हमको एग रोल बहुत पसंद है, तो अभी भी जो पहले का स्वाद था वैसा ही है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पर रहते तो फिर यहाँ पर आइए खाइए। अभी भैया ने स्टार्ट ही किया एग रोल बनाने के लिए, बीच में बंद था, ठीक है तो अभी तो एग रोल फिनिश कर लेते हैं, ठीक उसके बाद में घर जाएंगे। तो अभी घर पे आए हैं, ठीक है घर पे अभी मम्मी भी घर देख सकते हैं नीचे कुछ कर रही हैं, और अभी मतलब जैसे टीवी चालू की, ठीक तो अभी टीवी देखेगी। ठीक और अभी हम जाते हैं छत पे हवा खाने, हवा का आनंद लेने, ठीक है अभी डिनर तो नहीं होगा, अभी तो अभी टाइम है, अभी 9 ही बजा है। तो अभी किचन में है, अभी जो होने जा रहा है डिनर, डिनर जाएंगे खाने, ठीक है तो डिनर खाने के बाद एडिट करेंगे वीडियो, उसके बाद अपलोड करेंगे। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है और ये कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कमेंट आपने KGF चैप्टर 2 देखा है या नहीं, और जिन बंदे ने देखा है तो कैसा मूवी है भी रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो मैं मतलब कल हॉली प्रिंट में देखे तो कुछ उतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा आना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत झकास मूवी है, ठीक है। इसका KGF चैप्टर 3 भी आएगा, जिस बात का खुशी भी है कि KGF चैप्टर 3 भी आएगा, ठीक है। और एक ऐसा भी बता सकते हैं कि जितना भी ये साउथ इंडस्ट्री का मूवी है ना, अब उसके लिए मतलब पूरा इंडिया मतलब वेट करता है, ठीक है। ऐसे कोई बॉलीवुड का मूवी नहीं है कि जिसके लिए वेट कर रहा हो, क्योंकि बॉलीवुड अब यार मेरे ख्याल से अब टिकेगा नहीं साउथ इंडस्ट्री के सामने, क्योंकि उसे उनका जो कॉन्टेक्ट होता है साउथ इंडस्ट्री का बहुत झकास होता है। लव स्टोरी भी अगर उनका देखिए तो बहुत खतरनाक है, बहुत बहुत मस्त है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं, और हाँ बॉलीवुड का एक मूवी हमको मतलब सोचते हैं कि आ जाए, वो भी है वो क्रिस 4 है, अगर क्रिस 4 रिलीज होता है तो वो भी ठीक है, क्योंकि क्रिस 4 का क्रेज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्रिस का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, खासकर वो ऋतिक रोशन है उसमें तो और ज़्यादा क्रेज़ है, ठीक है। तो ऐसे बचपन में जब हम क्रिस देखे तो यार मतलब बचपन में होता है ना यार ये उड़ता है हीरो ये वो, तो उस टाइम में बहुत अलग मतलब ये था, और अभी तो जब पता चलता है कैसे उड़ता है VFX इसमें रहता है ये तो उतना नहीं, लेकिन बचपन में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगता था उतना लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मूवी मतलब झकास लगता है, वो क्रिस पूरा पार्ट हम देख लें पूरा पार्ट अच्छा लगता है, और ये KGF भी मस्त है, KGF 3 भी आएगा, और अभी तो RRR भी देखे वो भी देखे थे उसमें ही देखे थे क्या उसको कहते हैं हॉल प्रिंट में, वो भी HD तो देखेंगे, ठीक है। और हाँ आज गुड फ्राइडे थे, आज अभी उनको मतलब बाद में पता चला कि आज गुड फ्राइडे है, तो आप सभी को गुड फ्राइडे की हार्दिक शुभकामनाएं है, क्योंकि हमको नहीं पता था कि गुड फ्राइडे है, बाद में पता चला सामने किसी ने बताया कि आज गुड फ्राइडे है, तो ठीक है। तो अभी तो जाएंगे डिनर खान करने, ठीक है डिनर करने के बाद जाएंगे सो जाएंगे, पढ़ेंगे बगैर पढ़ेंगे उसके बाद सो जाएंगे, ठीक।
तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय।